नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। तो आज हम देखेंगे वन पीस मेगा स्लीव ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होता है। ये जो ब्लाउज है ये हमने मद्रास कटोरी पैटर्न में बनाया हुआ है, और इसकी खास बात ये होती है कि इसके जो स्लीव होते हैं ये शोल्डर से होके होते हैं। ये अलग से कट करके हम स्टिच नहीं करते, ये शोल्डर से होके पूरे होल स्लीव्स होते हैं। तो इसका कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। और ये वन पीस ब्लाउज का जो पैटर्न है ये बैक नेक क्लोज में बनता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बैक पैटर्न बनाया हुआ है और ये हाई नेक के साथ हमने स्टिच किया हुआ है। तो उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मेजरमेंट्स है वन पीस मेगा स्लीव पैटर्न के। तो यहाँ पर देखो, मैंने शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लिखा क्योंकि हम इसमें शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लेते हैं। और यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट मैंने 7.25 लिखा है। फिटिंग ब्लाउज में आप जितना आर्म होल लेते हो उससे 1/4 इंच यहाँ पर बढ़ाकर लेना है आर्म होल। तो चेस्ट यहाँ पर 33 इंच है, फुल बस्ट 34 इंच है, वेस्ट 26 इंच है। स्लीव का मेजरमेंट भी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होती क्योंकि स्लीव हमारी शोल्डर से ज्वाइंट होती है। तो यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। लेंथ है मेरी यहाँ पर 14 इंच यानी 14 इंच, तो उसमें मैं 1/2 इंच ऐड करूंगी और यहाँ पर मैंने 14.5 इंच यानी 14.5 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पर। अब यहाँ पर देखो, हम ये बैक साइड का सबसे पहले ड्राफ्टिंग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाएगी, तो चेस्ट लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ जहाँ, और यहां पर आएगी हमारी वेस्ट की लाइन। ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दिए। चेस्ट लाइन के ऊपर चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। चेस्ट है 33 इंच, उसका 1/4 आता है 8.25 इंच, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाता है 8.75 इंच। तो यहां पर मैंने 8.75 इंच पे मार्किंग किया। ये बैक नेक क्लोज है तो मैंने 1/2 इंच लूजिंग लिया है। वेस्ट का 1/4 होता है मेरा 6.5 इंच, प्लस उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड किया तो 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारे टेप के ऊपर, मेजरिंग टेप के ऊपर आने चाहिए। ये दोनों पॉइंट हमारे मेजरिंग टेप को टच होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मेजरिंग टेप को रखेंगे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे। ये दोनों पॉइंट मेजरिंग टेप के ऊपर आने चाहिए और आगे की तरफ भी मेजरिंग टेप को स्ट्रेट करते जाएंगे और ये लाइन भी आगे की तरफ जहां तक जाती है वहां तक खींच देंगे। तो ये लाइन ऊपर तक खींचती, तो ये इस प्रकार ये लाइन हमें बनानी है और यहाँ पर हो जाता है ऊपर का भी हमारा मेजरमेंट। यहाँ पर होता है हमारी नेक विड्थ। नेक विड्थ यहाँ पर हम लेंगे, हाई नेक बना रहे हैं तो नेक विड्थ आपकी जितनी है उतनी आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरी नेक विड्थ है 2.75 इंच, तो मैं यहाँ पर 2.75 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। अब यहाँ पर हाई नेक बना रहे हैं तो बैक की साइड में हमारा कोई नेक नहीं आएगा, नेक डेप्थ। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप लेंगे 0.75 इंच यानी 0.5 इंच शोल्डर स्लोप ले लिया इस लाइन पे, और इस लाइन से नेक विड्थ की जो पॉइंट बनाए हैं वहां तक लाइन खींच देंगे। तो ये होगा हमारा शोल्डर डाउन यहाँ पर इस लाइन पर। बाहर की तरफ 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, शोल्डर स्लोप के लाइन के आगे भी 1.5 इंच मार्जिन रखा और ये बाहर की लाइन ज्वाइंट कर दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे बैक की साइड का ड्राफ्टिंग हो चुका। यहाँ पर वेस्ट की लाइन पर सेंटर ले लिया और यहाँ पर 4.5 इंच की लंबाई का डार्ट ले लिया और विड्थ इसकी रखी है 1/2 इंच डार्ट की। तो ये हो गया हमारा पूरा यहाँ पर बैक साइड का ड्राफ्टिंग रेडी। अब हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लिया। जो चेस्ट लाइन का पॉइंट है और जो वेस्ट लाइन का पॉइंट है ये दोनों पॉइंट मेजरमेंट टेक के ऊपर ले लिए और सीधी लाइन ऊपर की तरफ खींच दी। बस हो गया हमारा यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट। अब यहाँ पर जहाँ तक आर्म होल का मार्किंग आता है वहाँ पर नॉच लगाया क्योंकि, और ये नेक विड्थ का भी नॉच लगाया। अब हम फ्रंट के लिए क्या करेंगे, 3 इंच आगे की तरफ छोड़ेंगे और एक लाइन खींच देंगे। क्योंकि हम मद्रास कटोरी बना रहे हैं तो 3 इंच मैंने आगे की तरफ छोड़कर लाइन बना दी है। और अब यहां पर ऊपर की तरफ मैं 4 इंच छोड़ूंगी क्योंकि हाई नेक बना रहे हैं, हाई नेक कॉलर, तो ऊपर की तरफ 4 इंच छोड़ दीजिएगा और बैक का जो पैटर्न निकल आया है उसे यहां पर इस तरह से रख दीजिएगा। अब ये अच्छे से रखने के बाद
इसके लाइन बना देंगे। जहां पर नेक विड्थ का मार्किंग है वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे, यहां पर आर्म होल का पॉइंट लगा देंगे और नीचे की तरफ लाइन बना देंगे और सिलाई मार्जिन का भी पॉइंट बना दिए है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पर लाइन बना देते हैं। ये हम सिलाई मार्जिन के लिए लाइन बना रहे हैं, ये इस प्रकार। और अब हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो फ्रंट का नेक आप चाहे जितना रख सकते हो, आपका नॉर्मल जो नेक लंबाई है फ्रंट के नेक की, उससे हाफ इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। नीचे की तरफ मैंने 2.75 इंच ले ली नेक विड्थ और ऊपर की तरफ ये हम ज्वाइंट कर देंगे। ये मैं डॉटेड लाइन बना देती हूँ क्योंकि हम आगे मटका गला ड्रॉ करेंगे। अब हाई नेक बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जितनी नेक विड्थ है उसका सेंटर निकालेंगे और वहां पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया जितनी नेक विड्थ है, और जितनी नेक विड्थ है उतनी ही हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यानी 2.75 इंच नेक विड्थ है तो ऊपर की तरफ भी मैंने 2.75 इंच लाइन बढ़ा दी। अब यहां पर देखो इस साइड में भी 2.75 इंच में लाइन बढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरी नेक विड्थ उतनी ही है। आपके अगर 3 इंच नेक विड्थ है तो आप 3 इंच ऊपर की तरफ लाइन बढ़ा दीजिएगा। दोनों लाइन खींचने के बाद ऊपर की तरफ हमने सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं यहाँ पर मटके गले का शेप दे देती हूँ। तो ये गले का शेप जो होगा फ्रंट के नेक का, वो जो हमने आगे की साइड में लाइन बनाई है कॉलर के लिए, उससे होके ये शेप होगा। और यहाँ पर देखो इस तरह से हमारा ये कटिंग होगा, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक का शेप देना है। आप चाहे दूसरा शेप भी दे सकते हो, लेकिन शेप देते समय ऊपर की कॉलर से होके देना है। अब नीचे की तरफ हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ 2 इंच। तो ये कितना बढ़ाना होता है आपके फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग मैंने मद्रास कटोरी ब्लाउज में आपको डिटेल में बताया है, आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाया वेस्ट लाइन के आगे और नेक लाइन को ये लाइन ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमें एक मार्किंग करना है, तो यहाँ पर आप 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है। यहाँ पर मेरी जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ज़्यादा है, यहाँ पर मैंने 14.5 इंच लेंथ रखी है, तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच ऊपर की तरफ ले लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा लेंथ है तो मैंने यहाँ पर 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आपकी लेंथ अगर सही है तो आप 2 इंच ऊपर की तरफ ले लीजिएगा। अब ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब यहां से यहां मैं अपना एपेक्स पॉइंट प्लस 1/4 इंच लूंगी, तो एपेक्स पॉइंट मेरा 9.75 इंच पे आता है, तो मैंने उसमें 1/4 इंच ऐड किया और 10 इंच पे मैंने यहां पर अपने एपेक्स पॉइंट का लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पर हमारा एपेक्स पॉइंट फिक्स करते हैं तो उसकी विड्थ होती है फुल बस्ट का 10वां भाग, यानी फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो एपेक्स पॉइंट की विड्थ निकल आती है। तो मैंने यहाँ पर उसका मार्किंग कर दिया 3.5 इंच पर। अब ये नीचे लाइन मैंने स्ट्रेट ज्वाइंट कर दी। अब इस लाइन के नीचे मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर एक मार्किंग करूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है। आप 1 इंच पर भी नीचे की तरफ मार्किंग कर सकते हो और ये पॉइंट दोनों तरफ इस तरह से ज्वाइंट करने हैं। तो ये ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डार्ट की विड्थ ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर डार्ट की विड्थ लगाई है। तो ये पूरे डिटेल के साथ अगर आपको देखना है तो आप मद्रास कटोरी ब्लाउज का कटिंग देखिएगा। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर नीचे की तरफ योग पट्टी ज्वाइंट कर रहे हैं, तो योग पट्टी का जो शेप होता है वो नेक की साइड में ऊपर की तरफ होता है, तो इसलिए 1 इंच ऊपर की तरफ लिया और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे जो डार्ट विड्थ है उसका मार्किंग हम करेंगे इस लाइन पे। तो मेरा यहाँ पर 8 इंच का डिफरेंस है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 इंच पे डार्ट विड्थ का मार्किंग कर देती हूँ और ऊपर की तरफ ये दोनों पॉइंट के लाइन बना देती हूँ। तो ये पूरा डिटेल्स के साथ आप मद्रास कटोरी ब्लाउज में देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक की साइड का जो डार्ट लेग्स है वो हम मेजर करेंगे कितना है। तो ये मेरा 3 इंच हो रहा है, तो इस साइड में भी मैं 3 इंच का ही मार्किंग करूंगी क्योंकि ये दोनों एक साथ एक जैसे होने चाहिए। और यहाँ पर जो 3 इंच का पॉइंट लगाया है उस पॉइंट से लेके आगे तक ए लाइन खींच देती हूँ।
अब ये हमारा सही हो गया। अब मैं यहां पर जहां पर क्रॉस का मार्किंग कर रही हूं वहां से हमारा कटिंग होगा। ये होगा हमारा ऊपर का पार्ट, और जो नीचे का पार्ट है इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्ट कट करने से पहले हम यहां से यहां देखेंगे कितना है, तो ये मेरा 3.5 इंच आ रहा है। तो ये हमारी योग पट्टी का मार्किंग करते समय हमें 3.5 इंच की योग पट्टी लेनी है। तो ये आप मेजर करके रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम योग पट्टी का मार्किंग करेंगे। अब हम ये फ्रंट का जो पैटर्न है ड्राफ्टिंग किया हुआ, ये हम कट कर लेते हैं। जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब योग पट्टी के लिए वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे और मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जितना मेजरमेंट हमारा आया था 3.5 इंच प्लस उसमें 1/4 इंच ऐड किया और मार्किंग किया। यहाँ पर अगर आगे की साइड में 3.75 इंच आया है तो यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्किंग किया और ये स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ जॉइंट कर दी और इस तरह से योग का पट्टी का शेप दे दिया। अब 1.5 इंच बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ पर ये हमारी योग पट्टी कटिंग होगी। तो योग पट्टी का कटिंग हमने देख लिया। अब नीचे की साइड में जो ऊपर नीचे है वो मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका। अब कपड़े के ऊपर हम इसका कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर इसका कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये अरेंज कर दिया है। फोल्डेड साइड पे मैंने बैक का पैटर्न रख दिया है बराबर से। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी मार्जिन नहीं लिया है, जिस तरह से है उसी तरह से लिया है। फ्रंट का जो पैटर्न है ये मैंने क्रॉस में रखा है और क्रॉस में रख के नीचे की तरफ मैंने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। यहाँ से हमने डार्ट कट कर किया था, उसके बाहर भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, फिर नीचे की साइड में भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है और यहाँ हुक और आई की पट्टी के लिए भी सिलाई मार्जिन लिया हुआ है। तो आप 1/2 इंच ले सकते हो या 1/4 इंच सिलाई मार्जिन ले सकते हो। बाकी मैंने कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं लिया। योग पट्टी के बाहर भी मैंने कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं लिया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ और यहाँ पर जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं कट कर देती हूँ। आप देख सकते हो फ्रंट के नीचे की साइड में मैंने किस तरह से सिलाई मार्जिन लिया है और हुक और आई की पट्टी के लिए भी सिलाई मार्जिन लिया है। अब हम इसे कट कर देते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया। इस प्रकार ये हमारा कटिंग हो जाने के बाद दिखेगा। अब इस लाइनिंग पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर हमारा मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर रख दिया है। फोल्डेड साइड पर बैक रखा है। योग पट्टी को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है और क्रॉस में मैंने यहाँ पर ये देखो मैंने क्रॉस पर यहाँ पर रखा हुआ है। जिस तरह से मैंने लाइनिंग में क्रॉस कट किया था फ्रंट पैटर्न, उसी तरह से मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर भी इस पैटर्न को क्रॉस में रखना है और इसे कट करना है। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक जो कट करेंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा रख के करेंगे, क्योंकि हम लाइनिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ही हमारा मेन फैब्रिक कट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रख के मेन फैब्रिक हमारा कट किया है। बैक, फ्रंट और योग पट्टी, ये तीन ही पार्ट हमारे ब्लाउज के होंगे, क्योंकि स्लीव का जो होता है वो शोल्डर से ज्वाइंट होता है। तो इस प्रकार ये कटिंग हो चुका। अब हम बैक साइड में पैटर्न करने वाले हैं, तो उसे हम कर लेते हैं। फ्रंट का पार्ट और योग पट्टी साइड में रख देते हैं और यहाँ पर जो बैक का पैटर्न है उसके ऊपर पैटर्न बना देते हैं। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, उसके ऊपर हम बैक का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो मेन फैब्रिक में साइड में रख देती हूँ बैक का और यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप बैक साइड में जितना नेक डेप्थ रखना चाहते हो, बैक का नेक, उतना वहां पर मार्किंग कीजिएगा। ऊपर से आप 1.5 इंच छोड़ दीजिएगा और उस पॉइंट से लेके नीचे के पॉइंट तक जितना है उसके तीन बराबर हिस्से कर दीजिएगा, यानी 3 पार्ट कर दीजिएगा। उस ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक 3 पॉइंट इक्वल कर देने के बाद यहाँ पर नेक विड्थ रखिएगा 3 इंच या 2.75 इंच, आप जितनी रखना चाहते हो नेक विड्थ उतनी रखिएगा और इस तरह से लाइन बना दीजिएगा। तो ये हमने इस तरह का शेप बैक के साइड में किया है। आप दूसरा शेप करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह का शेप दिया है। अब ये जो बनाया हुआ है ड्राइंग, ये दूसरी और मैंने ट्रांसफर कर दिया इस तरह से और यहाँ पर दूसरी और भी मैंने लाइन खींच दी है। तो
तो इस प्रकार ये पूरा शेप हमारे यहाँ पर रेडी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो फ्रंट का पैटर्न है वो हम बना के रेडी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर जो लाइनिंग का पैटर्न है और मेन फैब्रिक है इन दोनों को स्टिच करके लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टिच करके जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो भी ट्रिम कर दिया है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइंट कर दिए। अब हम फ्रंट का जो नेक है उसको कैनवास की मदद से फिनिशिंग करेंगे। तो ये मैंने कैनवास लिया है, इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 11 इंच और इसकी जो विड्थ है वो मैंने ले ली है 4 से 5 इंच तक आप ले लीजिएगा। अब इसको इस प्रकार रखना है फ्रंट के नेक के पैटर्न को और यहाँ पर इस तरह से ड्राइंग बना देना है। ये मैंने ड्राइंग बना दिया इसका। अब बाहर के साइड में आप 1.5 इंच या 1.25 इंच की एक लाइन बना दीजिएगा आउटलाइन और यहाँ पर आप ये कट कर दीजिएगा आपका फ्यूजिंग पेपर कैनवास जो भी है। ये बाहर के साइड से और अंदर के साइड से भी इसे कट कर देना है। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। कट करने के बाद हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसे सेंटर में से कट करेंगे। ये दो अलग पार्ट करेंगे क्योंकि हमारे फ्रंट के दो अलग पार्ट है। अब इसे कवर करने के लिए एक दूसरा लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है और उसके ऊपर रखकर हम आयन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आयन करके लिया है। अब मैं इसे अंदर के साइड से बराबर से कट करूंगी और बाहर की साइड से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लूंगी। इसी प्रकार मैं दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। अब जो बाहर की साइड में 1/2 इंच छोड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर से स्टिच लेनी है। तो स्टिच लेने के बाद ये फ्रंट का जो नेक है उसके फिनिशिंग के लिए यह पट्टियाँ रेडी है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे हमारे फ्रंट के नेक के पैटर्न को। तो एक पट्टी को मैं उठाऊंगी, दूसरी हम दूसरे साइड के पैटर्न को यूज करेंगे। इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टिच लगा रही हूँ। स्टिच लगाने के बाद दूसरे साइड के पैटर्न को भी मैं इसी प्रकार दूसरी पट्टी की मदद से स्टिच लगा दूंगी। अब एक साइड हमारी हो जाने के बाद अंदर की साइड से मैं इस तरह से स्लिट ले लूंगी। इसकी मदद से हम जब ये फोल्ड करते हैं अंदर की साइड में तो ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है। छोटी छोटी स्लिट लेने के बाद इसे अंदर की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेम इसी प्रकार हमें दूसरे साइड का जो पैटर्न है फ्रंट का उसे भी कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों साइड के पैटर्न को इस तरह से कर लिया है। दोनों पट्टियाँ ज्वाइंट करके अंदर की साइड में फोल्ड किया है। अब बाद में हम इसे हेमिंग करेंगे अंदर की साइड से, तब तक हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर जो नीचे के साइड में डार्ट है उसे स्टिच करेंगे दोनों साइड के। अब इस डार्ट को मैं यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। स्टिच लगाने के बाद ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये हमारी मद्रास कटोरी है। अब हमें नीचे की साइड में देखना है हमारा शेप किस तरह है क्योंकि हमें यहाँ पर योक पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो ये शेप थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया है तो इसे शेप से थोड़ा सा कट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा कट करेंगे शेप के अकॉर्डिंग। अब ये शेप हो चुका है अच्छे से क्योंकि हमें योक पट्टी का शेप यहाँ पर देना है। अब ये अच्छे से हो गया है, योक पट्टी ज्वाइंट करने के लिए रेडी है। इस योक पट्टी को हम मेन फैब्रिक की जो पट्टी है इस प्रकार लेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पर योक पट्टी ज्वाइंट करेंगे। ये सब हमारा मद्रास कटोरी ब्लाउज के स्टिचिंग के वीडियो में हो चुका है। डिटेल्स के लिए आपको मैं लिंक छोड़ देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। मेन फैब्रिक की पट्टी को स्टिच लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। अब नीचे की साइड में हम लाइनिंग की योक पट्टी जोड़ेंगे। तो उसके लिए ये लाइनिंग की पट्टी हमने ले ली, योक पट्टी, और इसे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है सेम उसी प्रकार रखना है और स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर योक पट्टी में मेन फैब्रिक के योक पट्टी को ज्वाइंट कर रही हूँ। अब जो ये फ्रंट का पैटर्न है इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए नीचे तक लाएंगे, सिलाई मार्जिन को निकाल देंगे और नीचे की जो लाइनिंग की योक पट्टी है उसे इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे सिलाई मार्जिन की ओर। मेन फैब्रिक की जो सिलाई है योक पट्टी की उसके ऊपर रखेंगे बराबर से और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ये सब हम फिनिशिंग के साथ योक पट्टी को ज्वाइंट करते हैं। यह हमारा पहले के बहुत सारे वीडियो में हो चुका है, कटोरी ब्लाउज के वीडियो में भी हो चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं।
निकालने के बाद ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी योग पट्टी यहाँ पर ज्वाइंट होगी और ये इस तरह से फ्रंट का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर आई की पट्टी ज्वाइंट कर रहे हैं, तो आई की पट्टी के लिए 2.5 इंच विड्थ की आई की पट्टी निकाली है, ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ा है, नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ा है और यहाँ पर ये ज्वाइंट की है। अब ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ एक बार फिर से उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम आई बना देंगे। तो कटोरी ब्लाउज के बहुत सारे वीडियो में, स्टिचिंग के वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया है किस तरह से आई बनाते हैं मशीन के ऊपर, सेम उसी प्रकार मैं यहाँ पर आई बना के ले लेती हूँ। आप हमारे कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग के वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पर ये पूरे डिटेल्स के साथ बताया है। मैंने यहाँ पर दोनों पैटर्न रेडी करके रखे हैं, हाँ, हुक और आई दोनों की पट्टी यहाँ पर लगाकर रेडी रखी है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे। ये तो ये कॉलर किस तरह से ज्वाइंट होगी, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये कैनवास और कॉलर दोनों की ये दो पट्टियाँ हैं। ऊपर की तरफ में हमने जो कैनवास ज्वाइंट किया था नेक के फिनिशिंग के लिए वो है, तो ये इस प्रकार दोनों साइड के इस तरह से हमें रखने हैं और यहाँ पर स्टिच लगानी है इस प्रकार। तो यहाँ पर स्टिच लगा के ले ली है, स्टिच लगाने के बाद ये फ्रंट का पैटर्न इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बैक का जो पैटर्न है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने नीचे की तरफ मेन फैब्रिक रखा है सीधी साइड में और उसके ऊपर ये लाइनिंग का फैब्रिक रखा हुआ है, और यहाँ पर जो बैक पैटर्न ड्रॉ किया है उस ड्रॉइंग के ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो उस जो नेक का पैटर्न हमने ले लिया है उसके ऊपर से बराबर से हम स्टिच ले रहे हैं। अब ये स्टिच हो जाने के बाद जो बीच का पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। तो जहां से हमने स्टिच ले ली है उसके बाहर 1/2 इंच आप सिलाई मार्जिन या 1/4 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दीजिएगा और कट कर दीजिएगा बीच का सारा पार्ट। तो यहां पर मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे स्लिट लगाएंगे। ये पूरे स्लिट लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। अब इसको इस तरह से बीच में से लाइनिंग के पैटर्न को बीच में से अंदर डालेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हो जाता है बैक साइड का पैटर्न। हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे, इसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे और उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है पूरे डिटेल के साथ, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लिंक आप देख लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर लेस अटैच करने के बाद ये उल्टी साइड से इस तरह से दिखेगा। अब ये जो अस्तर वाला पैटर्न है और मेन फैब्रिक का पैटर्न है ये एक दूसरे को हम साइड से स्टिच लगा के एक दूसरे को अटैच कर देते हैं, और ये दोनों पैटर्न एक दूसरे को अटैच हो जाने के बाद नीचे की साइड में मैंने डार्ट का मार्किंग किया है, वो डार्ट भी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और नीचे की साइड में बैक पट्टी भी ज्वाइंट कर दी है बॉटम साइड की। अब इसके ऊपर ये फ्रंट का पैटर्न मैंने रख दिया है, बराबर से सेंटर में सेंटर रख दिया है और सेंटर से होके मैं ये शोल्डर ज्वाइंट कर रही हूँ। ये फ्रंट पैटर्न और बैक पैटर्न के शोल्डर में ज्वाइंट कर रही हूँ, बराबर से सेंटर से होके मैं ज्वाइंट करूँगी एक साइड, फिर मैं दूसरी साइड की ओर स्टिच लगाऊंगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये किस प्रकार हमने किया है। अब इस साइड से मैं स्टिच लगाऊंगी क्योंकि एक साइड तो हमारी हो चुकी है, सेंटर से होके हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार ये ऊपर की साइड के दोनों शोल्डर हमारे दोनों साइड के ज्वाइंट हो चुके हैं, इस प्रकार ये दिखेगा और ये इस प्रकार दिखेगा फ्रंट की साइड में। मैं इसे सीधा कर देती हूँ तो ये हमारे समझ में आ जाएगा हमने इसे किस प्रकार किया है। तो ये ऊपर की साइड के दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो पट्टी है इसको किस तरह से हम फिनिशिंग के साथ हेमिंग करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो कैनवास की पट्टी है फ्रंट की साइड की, उसे किस तरह से फोल्ड करना है। तो ये पट्टी है और ये हमने इस तरह से स्टिच लगा के ली थी और यहाँ नीचे की तरफ शोल्डर स्टिच है। तो हम इसे कैनवास की जो पट्टी है इसे इस तरह से ऊपर की साइड में फोल्ड करेंगे इस प्रकार। बीच में जो है वो शोल्डर ज्वाइंट किया हुआ है उसकी सिलाई मार्जिन बीच में रहेगी और ऊपर से आप इसे फोल्ड कीजिएगा और हेमिंग कीजिएगा। अब मैंने इसे इस तरह से उल्टी साइड में कर दिया है,
यहाँ पर मैंने साइड में मार्किंग किया है सिलाई मार्जिन का, और ऊपर की तरफ मैंने आर्म होल के लिए जगह छोड़ी है। तो जहां पर हमने आर्म होल का मार्किंग हमारा आया था, वहां पर मैंने ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर से मार्किंग किया, और यहाँ पर हम नॉच लगा देते हैं दोनों साइड में। मैंने आपको ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर दिखाया था नॉच लगाना। अब यहाँ तक हमने नॉच लगाया है और मार्किंग किया है सिलाई का, वहीं तक हमें स्टिच लेनी है, उसके ऊपर हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैंने जो मार्किंग किया हुआ है सिलाई मार्जिन का, फिटिंग का हमारा, तो उस लाइन से ओके मैं स्टिच ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। उसके आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा आर्म होल है, तो यहीं तक मैंने स्टिच लगाई है। सेम इसी प्रकार मैं इस साइड में भी स्टिच लगा देती हूँ। तो इसी प्रकार मैंने दोनों साइड में स्टिच लगा दी है, बस वहीं तक स्टिच लगानी है। और आप देख सकते हो ये ऊपर की साइड हमारी आर्म होल की मैंने खुली छोड़ी है। इसी प्रकार दोनों साइड में मैंने किया है। अब यहाँ पर देखो चौक से मैं तिरछा मार्किंग करूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ जहाँ तक सिलाई है वहाँ से होके थोड़ा सा आगे की तरफ हाफ इंच ऊपर की तरफ लेके मैंने तिरछा मार्किंग किया, और उस मार्किंग के ऊपर से मैं कट लगाऊंगी। हाफ इंच बस मैंने ऊपर की तरफ लिया और जहां तक सिलाई है वहां तक कट लगा दिया, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा जो फोल्ड होगा स्लीव का, तो वो किस तरह से होगा वो फोल्ड, तो वो जो ऊपर की साइड है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो ये कितना फोल्ड करना है, तो जितनी हमने सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ छोड़ी है उतना ही हमें ये डबल फोल्ड करके कवर करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड किया, और आप यहाँ पर हाथ से सिलाई कीजिएगा, हेमिंग कर लीजिएगा हाथ से मैचिंग धागे से। उसी तरह से बैक साइड में भी आप डबल फोल्ड करके हेमिंग कर दीजिएगा, और सेम इसी प्रकार हमारा दूसरे साइड में भी करना है। मैंने यहाँ पर कट लगा दिया और ऊपर की जो साइड है इसे डबल फोल्ड करके जितना सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ है उतना ही सिलाई मार्जिन का कपड़ा हमें डबल फोल्ड करके कवर करना है। तो इस प्रकार ये डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर हाथ से हेमिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों साइड की हेमिंग करके और नेक साइड की हेमिंग करके ब्लाउज को शो करती हूँ। मैंने यहाँ पर दोनों साइड में हेमिंग कर दिया है और नेक को भी मैंने हेमिंग कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा फिनिशिंग के साथ ब्लाउज हमारा रेडी है। और यहाँ पर जो शोल्डर के साइड में हमने हेमिंग किया था अंदर के साइड फोल्ड करके, ये हमारी स्लीव की साइड होगी, इस तरह से ये दिखेगा। ये पूरा फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बहुत सुंदर लग रहा है। हाई नेक कॉलर के साथ हमने इसे बनाया है। आप इसे कटोरी ब्लाउज में भी बना सकते हो, या फिर आप शोल्डर से होके जो प्रिंसेस कट होता है वो भी पैटर्न आप इसमें ट्राई कर सकते हो। ये ब्लाउज सिर्फ बैक नेक क्लोज में बनता है, चाहे आप कॉलर नेक ले लो या इसी प्रकार पैटर्न बना लो आप बना सकते हो, या फिर आप बोट नेक भी इसमें ट्राई कर सकते हो। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं हमारे